आज हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए सके हुए हैं और विश्व आदिवासी दिवस पर हम मुंडा जी का, राणा पुंजा जी का बहुत बहुत हृदय से सम्मान करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर आपके समाज को आगे बढ़ाने के लिए आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी बराबर कोशिश करती रही कि समाज का सबसे कमजोर तबका है उसको भावना जो है उनको लगा कि हम भावना को हाथ कर रहे हैं। हम भावना को हाथ करने के लिए नहीं आए, हम आपके समाज को नमन करने के लिए आए, आपको धन्यवाद देने के लिए आए, आपका आशीर्वाद देने के लिए आए कि हम सब मिलजुल कर कैसे अपने इलाके में तरक्की कर सके। कि देश में आजादी के पहले आप सबको मालूम है बेड की बेगार थी, आप सबको मालूम है किस तरह से गरीब आदमी को जिंदगी निकालनी पड़ती थी। इतना ही आजाद करने के बाद गरीब अमीर छोटा बड़ा सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए और इस अवसर को करने के लिए पिछले 50-70 साल में बराबर प्रस्तुत किए गए पर तब जिस तेज गति से होने चाहिए उस तेज गति से नहीं हुए। इसलिए बात सही है, आज जो आदिवासी भाई हमारे इकट्ठे हुए भाई बहन उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले महाराष्ट्र पैटर्न शुरू किया था। महाराष्ट्र पैटर्न का मतलब क्या है, जो नौजवान पीढ़ी लिखे आदिवासी के भाई समझे, किसी भी प्रदेश का जो बजट होता है उस बजट में जितनी संख्या आदिवासी भाई बहनों की है उतना पैसा उस पर खर्च करेंगे। ये महाराष्ट्र पैटर्न था, राजीव गांधी ने कहा नहीं, इससे एक कदम आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। तब हमने पंचायत राज में यह परिवर्तन किया कि जिस जिले में 50% से ज्यादा आदिवासी भाई है उस जिले का प्रमुख आदिवासी भाई बनेगा। ये फैसला करने वाला कौन आदमी था, ये फैसला करने वाला कांग्रेस पार्टी का नेता राजीव गांधी था। देश आजाद हो गया था 47 में, 52 में चुनाव हुए, 57 में चुनाव हुए, 62 में चुनाव हुए, 72 में चुनाव हुए, 77 में चुनाव हुए, 80 में चुनाव हुए, नागे मात्रा या कौन कौन बता था, कोई आदिवासी बता था कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। जो टीएसपी इलाका है तो टीएसपी इलाका में चुनाव सरपंच आदिवासी बनेगा, चुनाव प्रधान आदिवासी बनेगा, चुनाव प्रमुख आदिवासी बनेगा, यह फैसला करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके आप सरकार खींच लिया हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, वहां पर यही निर्णय कानून और संविधान में संशोधन करके ये अधिकार हमने देने का काम किया। यही काम नहीं किया, एक कदम और आगे बढ़ के काम किया कि टीएसपी इलाके में जंग जंगल और जमीन इसका फैसला करने का काम भी बाकी पंचायत के लोग करेंगे, आदिवासी भाई लोग करेंगे, ये कानून बनाकर अधिकार देने का काम किया। इसलिए आज कितने इलाके मुझे जानकारी है 1 करोड़ जो आदिवासी भाई का मतलब वीर भाई जो रहता है सिरोही में रहता है, पहाड़गंज में रहता है, राजसमंद जिले में रहता है, चित्तौड़ में रहता है, भीलवाड़ा में रहता है, उस बच्चे को टीएसपी का फायदा नहीं मिल रहा है, ये जानकारी मेरे को है। पर आप बच्चे कितने आदमी में जानकारी है टीएसपी बजट क्या है, 10% आदिवासी है, किसी पंचायत में 10% है, किसी में 5% है, किसी में 12% है, 50% नहीं है। एक पंचायत बेरवाड़ा की एक आदिवास जिसमें 50% है, पूरे पंचायत 74 विधानसभा क्षेत्र में 40,000 आदिवासी रहते हैं, पर टीएसपी इलाके में एक गांव आया, केवल मात्र कालीवास गांव आया और बाकी गांव नहीं आया क्योंकि सरकार के नियम और कानून थे। आप सम्मेलन बुलाने के पीछे कारण ये है, हमारे पार्टी के नेता को बुलाया है, हमारी पार्टी दिल्ली में मांग करेगी कि टीएसपी का जो क्राइटेरिया है उसको बताओ क्या है, और जनसंख्या के आधार पर दिसंबर भाई गए उनके हिसाब से जनसंख्या है। ये जानकारी है, मेरे को कोई कहने नहीं आया था, मेरे को आपका क्षेत्र का विधायक मैं पूछ लीजिए आपके दिल्ली में मिलते रहता है, मैं चार बार मुख्यमंत्री से मीटिंग करवाई है, चार बार जयपुर में मीटिंग करवाई है और आपकी तकलीफ मुझे मालूम है। मैं जब पहली बार मंत्री था तब मेरे आदिवासी इलाके में राजीव गांधी मास्टर लाइट होगी, मुझे पता था कि आदिवासी का बच्चा पढ़ लिखकर कोई बीए होगा, कोई बीए हो गया उसको नौकरी नहीं।
सरकारी मामलों में नहीं बदलता, ये फैसला नियम और कानून बदलने से होता है। नियम और कानून कौन बदलेगा? पार्टी बदलेगी। पार्टी को जो पार्टी सत्ता में आएगी, सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी, इसका बहुमत बदलेगा। लोगों को भड़का सकते हैं, भावना बदल सकते हैं, लेकिन नियम और कानून बदलने का काम अपनी कसर से नियम और कानून बदलने का काम आप और हमको करना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने इसलिए मेरे आज आपके जो भाई है जिनसे मैंने निवेदन किया था, विश्व आदिवासी दिवस पर अपने इलाके के लोगों को बुलाओ, इकट्ठा करो। मैं नेताओं को लेके आऊंगा, मैं पैरवी करूंगा और ये नेता हमारी बिजली में पैरवी करेंगे, इससे हमारे लेके तस्वीर बदलने का काम करेंगे। इसे सोच समझ कर, सोच समझ कर, किसी की भावना भड़काने के लिए नहीं, नेतागिरी करने के लिए नहीं। मेरे मन में तकलीफ है, मेरे इलाके के आदिवासी की तकलीफ को मैंने देखा है। किसी की पार्टी की व्यवस्था थी, सड़क की व्यवस्था थी, बिजली की व्यवस्था थी, ये काम किसने किया? 50 साल में काम करने की कोशिश की, एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी खाली है। आधा काम हमने किया है, आधा काम भी हम करेंगे, ये कहने के लिए आप जल्दी किया है। इसलिए भाई आपसे कहना चाहते हैं, आप ईमानदारी से कहना चाहते हैं, आपको ठीक लगे कांग्रेस पार्टी की नीति ठीक हो, महात्मा गांधी के नुमाइंदे ठीक हो, ये परिवर्तन करने का काम हमने किया, तो भरोसा रखो। एक माध्यम के पास लड़ देते हैं, पैसा फूका तो फिर भर देता है। एक बार आप मतदान की, आपने मेरे को एमएलए बनाया, एक बार एमएलए भी बनाया, इस इलाके के लोगों ने 4-5 साल के एमएलए बनाया। आप लोगों ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई है, एक बार नहीं बनाई, कितनी बार बनाई है, ये हमारा धर्म बन जाता है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके भले के लिए बदलने पड़े, कानून बदलने पड़े, वो बदल करने की पेड़ करने का काम करना चाहते हैं। और ये पेड़ निकलने का काम जिसकी भी दुष्टिया के लगा है, ये पेड़ निकलने का काम इनकी जनता इकट्ठी हुई है, नेता हमारे देख रहे हैं, ये आपके बदल करने का काम करेंगे, ये करने के लिए आपके बीच रहा है। इससे किसी भी भाई को भावना से चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि हमने जो कोई बात गलती हुई हो तो हमने मीटिंग नहीं बुलाई है, हमने किसी को भेंट नहीं गए नहीं कहा, हमारे लिए सब सम्माननीय है, हमारे लिए आदिवासी भाई उतने सम्माननीय है, हमारे लिए मुंडा जी उतने सम्माननीय है, राजा पंजाब जी उतने सम्माननीय है। आज भाषण लगे खड़ा होकर बता दें, ये सीपी जोशी है कांग्रेस पार्टी का विधायक है जिससे राजा पंजाब की मूर्ति लगी है, एक कोई आदमी खड़ा कर बोलते राजा पंजाब की मूर्ति मशीन में लगने वाला आदमी कोई बता दे आदिवासी भाई चिंता लगेगी। राजा पंजाब जी की मूर्ति मैं जब एमएलए था तब लगाई थी, तब आपको याद होगा। इसलिए जन ये ध्यान रखें, आज भावना भड़का कर सस्ती वाई वाई लेकर नारे लगाकर हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, पर नियम और कानून के बगैर चले हुए अपना पता नहीं हो सकता। इसलिए अपने भले को करने के लिए, आप सबके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, आपकी लड़ाई के लिए नियम और कानून में परिवर्तन करने के लिए, आपकी पैरवी करने के लिए आज राजस्थान के नेता को नहीं, हमने दिल्ली के नेता को भी बुलाया है कि देखिए हमारे इलाके की क्या तस्वीर है। इसे भाई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपके पढ़े लिखे आदमी की नौकरी की जरूरत हो, अभी फैसला करवाया आश्रम की जरूरत है, तो राहुल गांधी जी बांसवाड़ा में आए थे, अपने नॉन डीएसपी इलाके में 300 मवाड़ी हमने बोल के बताएंगे, लोगों को लगेगा रोजगार मिल जाएगा। हमने करके बताएंगे आपको कि नियम और कानून में परिवर्तन करके किस तरह से हमारे इस इलाके के नॉन डीएसपी के भाई हैं जो एक और बच्चे बच्चे पढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो पटवारी बनना चाहे, चाहे वो मास्टर बनना चाहे, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ में जाना चाहे, चाहे पुलिस से भर्ती होना चाहे, चाहे पुलिस फोर्स से भर्ती होना चाहे, उन सब के लिए नियम और कानून बदलने चाहिए जिससे हमारे इलाके के लोगों का भी भला हो सके। ये न्याय लेने के लिए आज हम इस विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबके बीच में आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो विश्वास आपका मुंडा जी में है, जो विश्वास आपका बड़ा मुंडा जी में है, जिस कमल समिति के आप भाई बहन है उन पर विश्वास करने की जरूरत है कि आपकी लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे और न्याय कराने का काम हम करेंगे। आप भरोसा रखो, ताकत रखो, हौसला रखो, हिम्मत रखो, लेकिन हौसला और हिम्मत के साथ विवेक की रक्षा जरूरी है। विवेक की रक्षा भी काम करता है, यदि कोई मर्डर केस हो जाए तो फैसला आप नहीं करते हैं, कोर्ट करती है, वकील करना पड़ता है, कोर्ट फैसला करना पड़ती है। यदि नियम और कानून में परिवर्तन करने का काम है तो सरकारों को करना पड़ेगा, और सरकार का चुनाव ऑप्शन भी करने का काम करेगा, ये पेड़ करने के लिए आपके बीच में है। इसे मैं भी समय नहीं लेना चाहता, आप सब यहाँ इकट्ठे हुए, आप सबका मैं कैसे आभार व्यक्त करता हूँ। मैं रतन जी से पूछा कहाँ कहाँ से लोग आए, मुझे बात पसंद हुई, भीलवाड़ा से लोग आए, चित्तौड़ से लोग आए, जोधपुर से लोग आए, पाली से लोग आए, जालौर से लोग आए, इसे दूर दूर से आप आए, इस क्षेत्र का एमएलए होने के नाते मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबके चुनाव पर आभार व्यक्त करता हूँ, माफी चाहते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहे तो अपने शांतिपूर्ण अपने कार्यवाही को करें जिससे
अपनी देवी के लेकर जो अपनी समस्या है उसका निदान करने का काम हम सरकारी स्तर पर कर सके। यही बात मुझे आप सबसे कहनी, और आप सब हाथ खड़े करो तो मैं इनका स्वागत करूँ, बाकी नहीं करूँ। आप सब स्वागत करने के लिए मेरे को नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ले लूंगा मैं। आप सबकी तरफ से इस क्षेत्र का MLA होने के नाते राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद जी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र जी का मैं आपकी तरफ से स्वागत करता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ के लिए आप हमारी मदद करें, इसके नियमों कानून बनकर या कर नौजवान पीढ़ी का बच्चा है वो भी हकम बन सके, हकूमत कर सके और आगे बढ़कर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर सके। इन्हीं सब सभियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ और सब भाई बहनों का एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सब लड़ाई लड़ लेंगे, एक लड़ाई में नहीं कर सकता। एक फैसला कर लो, ऐसी कोई पंचायत जब आदमी स्कूल नहीं है, आदिवासी भाई एक ही फैसला कर रहे हैं हमारी बच्ची दसवीं पढ़ी लिखी नहीं होगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। एक फैसला कर लेना फिर बाकी सब परिवर्तन करने का काम हम करवाने का काम करेंगे। लेकिन बच्चे को नहीं पढ़ाओ, बच्ची को नहीं पढ़ाओ तो अपने कानून में अधिकार कर लेना बड़ी कमजोर हो जाते हैं। ये मोबाइल आपके हाथ में आ गया है, ये मोबाइल पढ़ा लिखा आदमी इसका उपयोग ले सकता है, जो अनपढ़ नहीं है, जो अनपढ़ नहीं है वो उसका दुरुपयोग करता है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। दो साल तक कोरोना में स्कूल बंद हो गए थे, मास्टर पढ़ाने का काम कर रहा था मोबाइल से, कभी अपने मन में आता है कि मेरा बेटा कैसे पढ़ रहा था, दो साल तक मोबाइल में मास्टर पढ़ा रहा था, माँ पढ़ी लिखी नहीं, पिताजी पढ़े लिखे नहीं, वो दो साल तक गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ा मालूम, उसकी तकलीफ क्या है? मैंने देखी है, मैंने समझी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक ही फ्रंट कर लो, राणा मुंडा जी का विश्वास करो, राणा पुंडा जी का विश्वास करो और एक प्रतिज्ञा लो, हम जब तक अपनी बच्ची को लक्ष्मी व्यास तक नहीं बुलाएंगे तब तक उसकी शादी नहीं करेंगे। फिर हर साल जितना दिवस है तब आप देखिएगा होता है। मैं आशा करता हूँ आप सब भाई बहन हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि हम अपनी बच्चों को पढ़ाएंगे, हाथ खड़ा करके बताओ। पीछे से हाथ निकले हुए कुछ कम हाथ खड़े हुए, ये हाथ तो मजबूरी कम रहे, ये हाथ जो तगड़ी गरीब बैठते हैं, ये हाथ जो तकलीफ के है, ये फैसला कर लो हम अपनी बेटी को दसवीं तक पढ़ाएंगे, फिर वो बेटी माँ बनेगी, कब आप देखना कि उनके बेटे बेटे कितने आगे बढ़ते हैं, ये आपका धर्म बनता है। मुझे पूरा विश्वास है आप लेकिन ये पुस्तिका लेके जाओगे। एक बात मुझे आपसे कहनी और एक बात और कहनी, अभी कहा था उन्होंने 5 बीघा जमीन हिंदी में देखा था तो 5 बीघा जमीन दी, और मैं आप घोषणा करता हूँ कोई कैसे की जरूरत नहीं, 50,000 रुपये मैं दूंगा और पूरा करने का काम हो।